हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो फॉर ऑल द लॉ 5 ईयर्स एस्पिरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स बीए एलएलबी प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं बट कॉलेजेस को लेकर कंफर्म नहीं है, कॉलेजेस को लेकर क्लैरिटी नहीं है दैट कौन सी कॉलेजेस जो है बीए एलएलबी प्रोग्राम ऑफर कर रही है, कौन सी अच्छी कॉलेजेस होने वाली है इस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू करने के लिए, सो यस, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है, ऑल दीज डिटेल्स यू गेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वेर इन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कट ऑफ क्या रहने वाला है फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर कॉलेज में एंट्री लेने के लिए इन विच यू हैव टू परस्यू द बी एल एल बी प्रोग्राम, एंड लास्ट फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एज वेल। सो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड इन दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं BBLLB कोर्स परस्यू करने के लिए और BLS कोर्स परस्यू करने के लिए BLS LLB कोर्स, सो इस पर भी जो है इन डिटेल वीडियो हमने बनाई है कॉलेजेस को लेकर, एंड तीनों भी कोर्सेज का कंपैरिजन का वीडियो भी बनाया है। तो ये सारे वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे रीसेंट अपलोडेड में, सो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके लिए अगर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को मैन्युअल लॉ एंट्रेंस को, एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मैन्युअल एजुकेशन पे सो सब्सक्राइब कर लो मैन्युअल लॉ एंट्रेंस को, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कॉलेजेस कवर किए हैं लोकेशन वाइज, इन डिटेल कॉलेज का ओवरव्यू किया है, रिव्यू किया है कॉलेजेस को, इन्फॉर्मेशन भी दिया है। सो ऐसा काफ़ी सारे वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, सो यस, आप वो वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए भी प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। बट बिफोर वी बिगिन गाइज, वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द लॉ एंट्रेंस रिलेटेड वीडियोज, बी इट लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, प्रिपेरेशन स्ट्रैटेजीज विल बी ओनली अवेलेबल ऑन मैन्युअल लॉ एंट्रेंस चैनल। And if you're watching this video on Maneuver Education, make sure to subscribe Maneuver Law Entrance. Apart from this, y'all can see a glimpse of all the updates. All you have to do is follow us on Facebook, Instagram, and also y'all can join our Telegram channel as well. Apart from this, we have also launched the batches for all these Law Entrance exam preparations. So for live class, y'all can call on 8828581455. And for classroom coaching, we are Mumbai based. Y'all can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri, and a Pune center is also coming soon. Apart from this, you'll also get access to video lectures, mock tests, books, mentorship strategy, and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt. अब सबसे पहले ये courses के full form समझ लेते हैं. So BBLLB stands for Bachelor of Arts and Bachelor of Legislative Law. ये कोर्स महाराष्ट्र बेस्ड लॉ कॉलेजेस ऑफर करती है, बट मुंबई यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको ये पर्टिकुलर कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। सो कौन से कॉलेजेस है जो ये कोर्सेज ऑफर करने वाली है, हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अब इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो BLLB प्रोग्राम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है दैट आप लॉ एंड आर्ट्स दोनों के सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। योर सब्जेक्ट्स में इंक्लूड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड मोर, एंड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड आर्ट सब्जेक्ट यू विल डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स एक्सेट्रा, जो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपको लीगल प्रैक्टिस एंड अदर प्रोफेशंस के लिए भी। So yes, it is a 5-year integrated course that includes interdisciplinary study of arts stream disciplines including sociology, history and others, as well as the legal study of legislation. The BLLB degree offers numerous career benefits as well and exceptional opportunities as well in the legal fields. They can explore diverse career opportunities such as the corporate law department, law firms, government agencies, international organizations. Then there is journalism, research and academics as well. So yes, after the completion of these course, students can register with the Bar Council of India and clear the All India Bar exam, that is AIBE, to begin working in the legal sector such as advocates, solicitors, etc. So I hope yahan tak clear hai that what exactly BLLB is. Moving ahead, eligibility देख लेते हैं that eligibility क्या लगने वाली है इस particular program को pursue करने के लिए. So starting with the educational qualification, candidate must hold a 10+2, that is a 12th class
pass certificate from a recognized board or educational institution. Minimum marks जो आपके होने चाहिए, that is at least 45% marks for the general category students, and SC/ST category के लिए at least 40% marks होना चाहिए, and जो percentile आपका होगा वो round off नहीं होगा. एज लिमिट के हिसाब से दैट देर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर एडमिशन टू LLB 5 years. इंटीग्रेटेड CET एग्जामिनेशन, सो यस दिस इज़ अ प्लस पॉइंट. नाउ लेट्स चेक आउट अबाउट द सिलेबस. सो सिलेबस टिपिकली कवर्स वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बोथ आर्ट्स एंड लॉ डिसिप्लिन्स. द सिलेबस में वेरी फ्रॉम वन कॉलेज टू अदर, बट मोर और लेस इट इज़ द सेम. But here is a general overview of the subjects that are commonly included in BA LLB program. Also guys, जो भी data हम आगे discuss करने वाले हैं colleges से related, जहाँ पे हम disclose करने वाले हैं fee structure, cutoff and seats as well. So ये सारा जो data है ये research based data है. आप जिस भी college को target कर रहे हो, make sure that आप उस particular college में visit करके सारी information जो है prior ही ले लो, so that you all are sorted with all the information. And this is a research based data, so yes, definitely you are going to count on this. ये basically आपको guidance and help के लिए video बनाया गया है, but make sure that you visit the college itself, because cutoff and fee structure जो है जो हर साल change होता रहता है. Now let's check out the core subjects first. So here we have legal method, law of contract, general principles of political science, economics, sociology, general English, law of torts, consumer protection laws, MV accident, legal methods, alternative dispute resolution, Indian legal and constitutional history, environmental law, legal English and communication skills, criminology, family law, international relations and law of contracts. So yes, the syllabus does cover a wide range of subjects that is related to arts and law disciplines as well. Now let's check out about the electives subjects. So in elective subjects you all have cyber law, private international law, gender justice and feminist jurisprudence, private international law, competition law, offences against child and juvenile offence, banking and insurance law, then we have criminology, international commercial law, that is election law, international humanitarian law, indirect taxes, telecommunication law and women in law. So yes, syllabus जो है काफ़ी ज़्यादा diverse है, काफ़ी ज़्यादा vast है, and काफ़ी सारे options जो है आप यहाँ पर सीख सकते हो. सिलेबस काफ़ी बढ़िया है गाइस, काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है, सो इज डेफिनेटली इट इज़ वर्थ परस्यूइंग दिस प्रोग्राम. अब जो है हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है अबाउट द कोर्स, अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड अबाउट द सब्जेक्ट्स. नाउ लेट्स चेक आउट द कॉलेजेस. सो कॉलेजेस को लेकर कोई कमी नहीं है गाइस, काफ़ी सारी कॉलेजेस है जो BA LLB प्रोग्राम ऑफर कर रही है. देर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस, वी हैव ट्राइड कवरिंग दोज कॉलेजेस. सो 15-20 प्लस कॉलेजेस आपको इस लिस्ट में देखने को मिलने वाली है. सो वी हैव कवर्ड द एंटायर इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज 15 कॉलेजेस. बाकी जो कॉलेजेस है वी हैव स्टेटेड देम ऑल्सो. सो ये से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी अगर हमने इन डिटेल कॉलेजेस पे बात की तो, क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है कॉलेजेस के इन डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में. सो वो जो है आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो. आप जिस भी लोकेशन में लॉ कॉलेज टारगेट कर रहे हो उन लोकेशंस पर हमने सारी लॉ कॉलेजेस कवर की है. सो मेक श्योर यू चेक आउट दोज वीडियोज एज वेल. नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट कॉलेज विच इज़ नथिंग बट द ILS लॉ कॉलेज. इट इज़ लोकेटेड इन पुणे. टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 240. कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स इज 108. फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स इज 119. फी स्ट्रक्चर इज 41,375 रुपीज़. ये जो कट ऑफ है गाइज ये इस साल का कट ऑफ है, बट कट ऑफ जो है डिफर करेगा, वेरी करेगा. ऑल्सो गाइज काफ़ी फेमस, काफ़ी रीनोन्ड कॉलेज है ये लॉ प्रोग्राम्स के लिए, एंड टॉप कॉलेजेस में आती है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इस पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करते हैं, एंड हाई कॉम्पिटिशन होता है CET में इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए. नेक्स्ट इन द लिस्ट वी हैव DES श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज. अगेन अ वेरी गुड लॉ कॉलेज. टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 180. कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स इट इज 102. फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स 115. फी स्ट्रक्चर ईयर इज 30,500 रुपीज. नेक्स्ट इन द लिस्ट वी हैव मनिकचंद पहाड़े लॉ कॉलेज. टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 120. इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज. कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स इज 79. फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स इज 104. फी स्ट्रक्चर इज 3,285 रुपीज. फी स्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी नॉमिनल देखने को मिल रहा है. अगेन स्टार्टिंग के जितने भी कॉलेजेस हमने लिस्ट किए दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस, वेरी ग्रेट कॉलेजेस इन टर्म्स इन ऑर्डर टू परस्यू योर लॉ प्रोग्राम. नेक्स्ट इन द लिस्ट वी हैव
RDMNU Dr. Baba Saheb Ambedkar College of Law. Total number of seats is 120. Cutoff for Maharashtra State students is 83. For outside Maharashtra State students, it is 105. And fee structure is 4,924 rupees. Next in the list, we have D.Y. Patil Unitech Society, Dr. D.Y. Patil Law College, located in Pimpri, Pune. Total number of seats is 120. Cutoff for Maharashtra State students, it is 82. For outside Maharashtra State students, it is 109. Fee structure here is 21,000 rupees. Next in the list, we have Singhgad Law College. Total number of seats is 120. Cutoff for Maharashtra State students is 78. For outside Maharashtra State students, it is 107. Fee structure is 30,500 rupees. Cutoff जो है यहाँ पे आपको कभी decent level पे देखने को मिल जाएगा. So yes, आपके काफ़ी chances बन सकते हैं इस particular college में law program pursue करने के लिए. काफ़ी well known college है law programs के लिए. काफ़ी सारे students इस particular college को भी target करते हैं. Next in the list, we have Parishad's Yashwantrao Chauhan Law College, again a very reputed and good law college. काफ़ी सारे law aspirants को इन सारे colleges के बारे में पता ही होगा because काफ़ी well known law colleges है. Total number of seats is 60, cut off for Maharashtra State students is 107, for outside Maharashtra State students it is 108, fee structure is 5,120 rupees. Next in the list, we have Progressive Education Society Modern Law College. Total number of seats is 120. Cutoff for Maharashtra State students is 90. For outside Maharashtra State students is 109. Fee structure is 21,000 rupees. Next in the list, we have Marathawada Mitra Mandal Shankar Rao Chauhan Law College. It is located in Pune, again a very good law college. Total number of seats is 120. Cutoff for Maharashtra State students is 96. For outside Maharashtra State students is 110. Fee structure is 37,000 rupees. Next in the list, we have Dr. Ambedkar College, Department of Law, Nagpur. Total number of seats here is 60. Cutoff for Maharashtra State students is 87. For outside Maharashtra State students, it is 104. Fee structure is 15,000 rupees. Next in the list, we have GH Raisoni Law College. Guys, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया law college है. Yes, we can definitely target this college. Top colleges में आता है. Cutoff for Maharashtra State students is 77. For outside Maharashtra State students is 100. Fee structure is 25,000 rupees. Next in the list, we have V.N. Patil Law College, Aurangabad. Total number of seats here is 60. Cutoff for Maharashtra State students is 65. For outside Maharashtra State students, it is 97. Fee structure is 3,285. काफ़ी nominal fee structure यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. Next in the list, we have Maratha Vidya Prasarak Samaj Law College. Total number of seats here is 120. Cutoff for Maharashtra State students is 55 and for outside Maharashtra State students is 64. Fee structure here is 21,000 rupees. Next in the list, we have Narayana Rao Chauhan Law College located at Nanded. Seats here is 240. Cutoff for Maharashtra State students is 55. For outside Maharashtra State students is 76. Fee structure here is 3,925 rupees. Again, a very good law college to target. Next in the list, we have Akola Law College located at Akola. Total number of seats is 60. Cutoff for Maharashtra State students is 59. For outside Maharashtra State students is 81. So, jitne bhi students ka cutoff jo kafi kam raha hai, below 80, below 90 raha hai, you can definitely target this college. Fee structure here is 12,000 rupees. उसके बाद जितनी भी कॉलेजेस है गाइज, आई टोल्ड यू काफ़ी सारी कॉलेजेस है जो BLLB प्रोग्राम ऑफर कर रही है. वी हैव लिस्टेड दीज कॉलेज नेम्स, आप जो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी लेकर उसको सेव रख सकते हो या फिर वन बाय वन इन कॉलेजेस को गो थ्रू भी कर सकते हो बिकॉज काफ़ी सारी लॉ कॉलेजेस है गाइज जो कि BLLB प्रोग्राम ऑफर कर रही है. यू ऑल कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. यू ऑल कैन टारगेट एनी ऑफ दीज कॉलेजेस एंड मेक श्योर दैट आप इन पर्टिकुलर कॉलेजेस की जो है वेबसाइट भी चेकआउट कर लेना, दैट क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इन कॉलेजेस को लेके. ऑलरेडी जो है हमने काफ़ी सारी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे कवर की है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मेक श्योर दैट आप हमारे चैनल पे जो भी लॉ रिलेटेड वीडियोज़ है, लॉ एंट्रेंस पे काफ़ी सारे कॉलेजेस के वीडियोज़ हमने बनाए हैं, आप वो वीडियो ज़रूर से देख लेना ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली मिल जाए. इसके अलावा इट इज़ हाईली रिकमेंडेड जब जो भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो कॉलेज ज़रूर से विजिट करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी ले लेना. सो यस गाइज, दैट वॉज इट अबाउट दिस वीडियो. ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द BLLB प्रोग्राम, अबाउट द एलिजिबिलिटी, अबाउट द कट ऑफ, अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड सीट्स एज वेल. अगर आप BBLLB प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो या BLS टारगेट कर रहे हो या कन्फ्यूज हो तो आप हमारे कंपेरिजन वीडियोज़ भी देख सकते हो या फिर सेपरेट वीडियोज़ जो हमने इन पर बनाए हैं आप वो भी देख सकते हो. फिर भी गाइस अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हो.
We'll definitely get back to you, and stay connected with us for more such informative videos, and make sure to subscribe Maneuver Law Entrance channel. So yes guys, that was it from my side, and until then I will see you in the next upcoming video.